कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के बीच लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित ऑटो रिक्शा चालकों को राशन किट का वितरण किया गया। 22 मार्च 2020 से अब तक कोरोना महामारी के कारण ऑटो रिक्शा चालकों के परिवार के हालत गंभीर हुई है। अनलॉक 3 में भी ऑटो रिक्शा संचालक को सरकार ने नियम के कारण उनका धंधा नहीं चल पा रहा है। इस कारण नागपुर में ऑटो चालक आत्महत्या कर रहे हैं। उनका परिवार का पालन पोषण करने दूसरा कोई साधन नहीं है। इनकी परेशानियों को देखते हुए इतवार को 12 बजे दौलामेटी के इन्फेंट जीसस चर्च के सभा भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाड़ी के इन्फेंट जीसस स्कूल NMSSS CWM नागपुर गुडलक पब्लिशर्स की ओर से वाड़ी दौलामेटी नवनीत नगर परिसर के 70 ऑटो चालकों को राशन किट दी गई। 4 सदस्य वाले परिवार के औसत से चावल दाल तेल मिर्ची मसाला साबुन का किट दिया गया। इस समय फादर वाला, फादर थॉमस जोसेफ, सिस्टर रीना पीटर, फादर विवियन लोबो उपस्थित थे। किट लेने के बाद ऑटो चालकों ने इन मान्यवरों का शुक्रिया अदा किया। आज हम हमारा इन्फेंट जीसस स्कूल में नागपुर मल्टीपर्पज सोसाइटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट द्वारा अपना और ऑटो रिक्शा चलाने वाला भाई लोगों को मदद किया है। दूसरे लोगों को मदद करना हमारा कर्तव्य बनकर, कर्तव्य मानते हुए हम दूसरों को मदद कर रहे हैं। मैं आप सबों को अनुरोध करते हैं, इन्फेंट जीसस स्कूल और सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा आज मदद किया है। ये एक छोटा सा निर्णय और संकल्प है, आप लोगों भी हमारा भाई बहनों को भी हम मदद करना है और साथ देना है। ये कोविड महामारी में हमारा, हम सब एक साथ मिलकर दूसरों को मदद करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुउद्देश्य सामाजिक सेवा और इन्फेंट जीसस स्कूल के तरफ से करीब करीब 3.5 महीनों से 4 महीने लगभग हो रहे, उन रिक्शा ऑटो रिक्शा वालों को जो मजदूरी नहीं है उनके लिए राशन की मुहैया कराया गया है। ये इसमें CWM और गुड लक पब्लिशर्स भी साथ देते हुए करीब करीब 50 परिवारों को हम राशन की वितरण किया। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी उन लोगों को हमारे द्वारा कोई भी मदद होना है, इन्फेंट जीसस और NMSS आगे हमें प्रयास करते रहेंगे। NBC न्यूज़ के लिए वाणी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।